बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम हॉस्पिटल से दिल को झकझोरने वाली खबर सामने आई है। ऑक्सीजन सप्लाई का फ्लो रुकने के मामले में आईसीयू के बिगड़ते हालात का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें मरीज के परिजन आईसीआई की हकीकत बता रहे हैं। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? ये तस्वीर आपके सामने। ऐसे में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हॉस्पिटल प्रशासन मामले की जांच पड़ताल में जुटा है। कुछ दिन पहले भी ऑक्सीजन फ्लो रुकने के बाद सामने आई थी यहाँ पर। हालांकि जी मीडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर सच है ये तो इसकी जवाबदेही आखिर किसकी बनती है? ये तस्वीर आपके सामने है और कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आती है, लेकिन ये पीबीएम हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं। बीकानेर का सबसे बड़ा अस्पताल और इस संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जा सकता है। भारत के बाकी लोग वीआईपी नहीं है, जो वीआईपी नहीं है वो मरेंगे और जो वीआईपी है उनको बचा लिया जाएगा। ये हो रहा है इनके लिए, ये सिलेंडर की व्यवस्था कर दी गई है हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा। हॉस्पिटल प्रशासन के लिए सिर्फ एक यही, इतने लोगों में ये है कि कीमती है, बाकी इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं है। ये देखो, ये इनकी मृत्यु हो गई। भैया आपके पिताजी है क्या? आपके पिताजी है? आपके पिताजी है? कितने टाइम ऑक्सीजन रुके? कम से कम एक घंटा हो गया। एक घंटा से ऑक्सीजन रुके और आपके पिताजी की डेथ हो गई। क्यों हो गई? ये देखो, ये पीबीएम का हॉस्पिटल का रात है, जरा जोर से बताइए। कल एक उधर हो गई थी, एक आध इधर हो गई है। पापा जी की मौत हो गई और ये रात को रोज का काम है। ये बहुत आने तक नहीं आ रही, ये जो ड्रिप लगी होती है वो आने तक नहीं आ रही है। इतनी लापरवाही इन लोगों की बो रहे हैं कि हम बाद में उतार लगे रहते हैं। ये फोन पे लगे रहते हैं। अभी तक डेथ हुए को 10 मिनट हो गए, अभी तक किसी ने डॉक्टर नहीं पहुंचा यहाँ। 10 मिनट हो गए, कोई 10 मिनट हो गए, कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा अभी तक नहीं यहाँ। क्या चाहे कोई सप्लाई वप्लाई का चक्कर होता है क्या? 24 घंटे की सप्लाई होनी चाहिए ना ऑक्सीजन की, लाइट की, हॉस्पिटल में। कोई नहीं है, सब सो रहे हैं, सो रहे हैं वो अंदर, सब सो रहे हैं। कंपाउंडर कोई इंचार्ज नहीं बैठा ना? कोई नहीं, सब सो रहा है, कोई आता नहीं है रात को। ये तस्वीर आपके सामने है, देखिए तीमारदार सबके लोग आ रहे हैं जो थे वो इधर उधर भटक रहे थे, क्योंकि उनको अंदाजा हो गया था कि यहाँ पर ऑक्सीजन फ्लो कमजोर हो रहा है और पेशेंट्स की तबीयत खराब होती जा रही थी। जो लोग वहां पर थे उन लोगों से, जो मेडिकल स्टाफ था उनसे बार बार गुहार लगा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ देर तक ये फ्लो कमजोर रहा, जिसके बाद वहां पर हालात बिगड़ते चले गए आईसीयू में। तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें वायरल हो रही है, जिसके बाद मामले के जांच पड़ताल करने के बाद कही जा रही है देश के भीतर, प्रदेश के भीतर ऑक्सीजन को लेकर किल्लत है। सरकारें बार बार दावा कर रही कि उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन जहां पर है वहां पर ऐसी लापरवाही की तस्वीरें अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करती है। तस्वीर आपके सामने जहां पर हालात से निपटने के लिए व्यवस्थाएं तो की गई हैं, लेकिन व्यवस्थाओं को ऑपरेट करने वाले ही यहां पर लापरवाही बरत रहे। तस्वीर आपके सामने कुछ देर के लिए रौनक हमारे साथ जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के लिए। रौनक, क्या सच है इस पूरे मामले पर अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए आपको जानकारी दूं कि जिस तरह से ये वीडियो वायरल हो रहा है, लगातार ये बताया जा रहा है कि संभाग के सबसे बड़े पीबीएम हॉस्पिटल का ये वीडियो है, और जिस तरह से वेंटिलेटर और ऑक्सीजन पर जितने तमाम जो मरीज है उनको लेकर के वीडियो शूट किया गया, बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन का फ्लो रुक गया, फ्लो रुकने से कई मरीजों को दिक्कत हुई, परेशानी हुई। हालांकि देखिए, इसकी पूरी वायरल वीडियो पर हमने जब प्रशासन से जानकारी लेनी चाहिए हॉस्पिटल के प्रशासन से, उन्होंने साफ कह दिया कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। हम लोगों ने जो है वो कमेटी गठित की है जो इस पूरे मामले की जांच करेंगी। हालांकि देखिए, पूरे मामले को लेकर हमें फिलहाल जी मीडिया जो इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरह की खबरें आप सोशल मीडिया पर देखिए, या उसके साथ साथ बात करूं मैं जो विभाग से, हम लगातार बात कर रहे हैं कि जो वीडियो आया है इस पर क्या सच्चाई है, तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए जांच का विषय, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जो लोग जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो वीडियो आया है उसको लेकर के हम लोग लगातार जांच कर रहे हैं, कमेटी बनाई गई है, और अब जिस तरह से मॉनिटरिंग की बात भी यहाँ पर जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से की गई है कि पूरे मामले को लेकर जांच भी होगी, और साथ ही साथ अब ऐसी कोई दृश्य सामने ना आए उसको लेकर मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोगों ने टीमों का गठन किया है, नर्सिंग स्टाफ का यहाँ पर डिप्लॉय किया है, ताकि यहाँ पर किसी भी तरह की मरीजों। क्या अधिकारियों ने यह बात मानी कि ये पीबीएम का ही वीडियो है? अधिकारियों ने मानी कि नहीं? देखिए, वीडियो को लेकर तो ये नहीं कहा कि वहां का है, लेकिन क्योंकि जिस तरह की घटना सामने आई है, ऐसी घटना पिछले कुछ दिन पहले भी आई थी कि फ्लो जो ऑक्सीजन का रुका था, जिस तरह की मारामारी ऑक्सीजन को लेकर सामने आई थी। हालांकि देखिए, कोई मानने को तैयार नहीं है कि वीडियो पीबीएम का है, लेकिन उसके अलावा ये जरूर कहते हुए नजर आ रहे हैं
इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, कोई ऐसी घटना ना हो, इस तरह की कोई चीज ना आए, उस पर पूरी तरह से प्रशासन काम करेगा, ये जरूर कहते हुए नजर आ रहे हैं सारे। ये पल्ला झाड़ने वाली चीजें बिल्कुल सही आपने कहा, धन्यवाद इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। लेकिन तस्वीरें आपके सामने, अगर वाकई में यह सच है, इसी अस्पताल का है, तो यह बेहद गंभीर लापरवाही जिसके लिए माफ नहीं किया जाना चाहिए।